एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का कार फॉर सेल सिमुलेटर के एक और नए मजेदार एपिसोड में। आज हम इस गेम को बहुत दिनों बाद ट्राई कर रहे हैं और पिछले कुछ दिन में इस गेम में काफी सारे अपडेट्स आ चुके हैं, तो आज हम वो सारे के सारे अपडेट्स चेक करेंगे, देखते हैं कोई न्यू कार ऐड हुई है या नहीं। तो बस तुम एंजॉय करोगे तो लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक कोई बात नहीं, एपिसोड देख लो, एंजॉय करोगे तो सब्सक्राइब भी करके जाना, ठीक है। ऑलराइट, तो हम अपने ऑफिस आ चुके हैं। दो या तीन एपिसोड पहले मैंने ये सारी की सारी कार्स को परचेस करके यहाँ पर रख दिया था। वैसे मेरा नौकर दिखाई नहीं दे रहा वो, अरे हाँ यहाँ पर काम कर रहा ना, मेरे को लगा नौकर वाला फीचर हट गया। नौकर वाला फीचर हट जाता ना तो मेरी ऐसी की तैसी हो जाती है, सारी की सारी कार्स को ना बार बार हर रोज साफ करो, उन्हें पूरी तरह से धूल प्रूफ बना, उसके बाद में कार को सेल करो, इसके अंदर ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। अभी एक काम करते, आज ना कार मार्केट ओपन है और ना ही ऑक्शन हाउस खुला है ना, मैं काम करता हूँ, हमारे पास में पैसे अभी 13,66,000 डॉलर है, जिसमें से 1 मिलियन डॉलर का तो हम पर कर्ज है। वो कर्ज को हम बाद में चुकाएंगे, क्योंकि अभी जब तक चल रहा है चल रहा है, जब एक टाइम में बहुत सारे पैसे आ जाएंगे ना तो हम फिर कर्ज अपना पूरा का पूरा जो हमारा लोन है वो पूरा क्लियर कर देंगे। अभी अपग्रेड्स के अंदर चेक करते हैं कि अभी और क्या क्या चीजें आई है। टो के अंदर तो हमने सारी चीजें अपग्रेड कर ली, ऑफिस के अंदर भी हमने सारी चीजें अपग्रेड कर ली, बट मैंने सुना ऑफिस वाला भी अपडेट कुछ तो आया है। ऑफिस ओपन करके एक बार ऑफिस के कंप्यूटर से चेक करते, क्योंकि टैब के अंदर तो कुछ दिखाई नहीं। अपग्रेड्स के अंदर वही नॉर्मल सारी चीजें, ये तीन ऑफिसेज है जो हमने ऑलरेडी अपग्रेड कर रखे हैं, और ये सारा टोका भी हमने ऑलरेडी अपग्रेड कर रखा है सारा का सारा। डेकोरेशन के अंदर भी कोई चीजें है नहीं। एक काम करता हूँ मैं ना, आसपास में घूम के आता हूँ, एक बार वहां पर भी नजर घुमाते कि वहां पर कोई चीजें आई है या नहीं। मेरी कार के अंदर पेट्रोल हो गई, काफी ज्यादा पेट्रोल होगा। पिछली बार ही मैंने सारी टंकियां फुल कराई थी, और हमारी सुपरा का भी ना बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि मेरे को याद है सुपरा को मैंने लास्ट टाइम वहां पर खड़े करके गया था, उसके बाद से मैंने इस गेम को खेला ही नहीं हूँ। एक बार अपनी सिटी का ना थोड़ा सा राउंड लगा कर आते, कुछ ना कुछ चीजें तो और एड हुई होगी। यहाँ पर तो नॉर्मल गैस स्टेशन है और कार वॉश है, उसके अलावा पीछे एक स्टोर है, बस सिंपल है। यहाँ पर हम जाकर कार रेस वाली बिड कर सकते हैं। पता नहीं आज कोई आया है, नहीं आज कोई भी नहीं आया है यहाँ तक, अभी तक तो मेरे को कुछ भी दिखा नहीं, देखते उसके बाद में। यहाँ तो लेफ्ट साइड में ये पूरा का पूरा बार है, यहाँ पर भी ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। बाकी ये तो लॉनवुड सोसाइटी है, जहाँ पर सारे घर है, मतलब नेबरहुड वगैरह वो हर एक चीज यहीं पर है, अपना खुद का भी घर यहाँ पर ही है, बट स्टिल अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया मेरे को। यहाँ पर कार मार्केट के पास में भी कुछ भी नहीं है। अभी पूरे सिटी का राउंड लगाकर आ गए, बट शोरूम अपग्रेड करने के लिए मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, वो तो अभी तक भी मेरे को दिखाई नहीं दिया। रुक जाओ, अपने नौकर से पूछ के देखते कि भाई नौकर तुझे पता है मैं अपना शोरूम कहाँ से अपग्रेड कर सकता हूँ, है कुछ आइडिया है तेरे को, तेरी पप्पी ले लूंगा मैं, सच्ची सच्ची बताना, रहन दे मत बता। A few moments later. All right, तो अभी मैंने जस्ट गेम को अपडेट किया हूँ और मेरे ऑफिस का पूरा लुक ही बदल गया। मेरी कार भी पता नहीं कहाँ चलेगी सारी की सारी। ओ अच्छा, सारी की सारी कार यहाँ पर लग गई है लाइन से। सुपरा तो मैंने सामने खड़े करा था, वो भी वहाँ पर वहाँ से वापस आ गई है। इधर जितनी भी हमारी कार्स थी ना वो सारी यहाँ पर खड़ी हो गई। अभी अपने को अपने ऑफिस को और काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ एक टाइम में दो कार खड़ी रह सकती है, इधर दो और इधर दो, मतलब टोटल चार कार, और बाकी की कार इधर बीच में अगर लगा दूंगा ना आने जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। मैं फटाफट से अपना टैब निकालता हूँ और अब आ रहा है यहाँ पर ऑफिस एडिट मोड। चलो ठीक है, हमने वैसे अपने फ्लिक्स डीलरशिप नाम रखा था। ऑफिस अपग्रेड के अंदर अगर चेक करेंगे, ऑफिस अपग्रेड के अंदर क्या क्या चीजें आ चुकी है, तो 5 लाख डॉलर लगेंगे, बहुत ज़्यादा अपना ऑफिस और ना बड़ा हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ फटाफट से ये 5 लाख डॉलर देके। वैसे ये बेटा मोड है इसलिए थोड़ा सा ना ऐसा लैगी टाइप और वो लग सकता। ए 5 लाख रुपए मेरे कट गए, ये कुछ अपग्रेड तो हुआ नहीं। और अब ऑफिस ओपन और क्लोज का ना ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, और अभी मैं यहाँ पर अपने हिसाब से मतलब सारी चीजें कर सकता हूँ, जहां पर भी मेरे को फ्लोर लगाना है। ये तो काफी ज्यादा बढ़िया अपडेट है, मेरे को लगा था बस नॉर्मल ऐसे पैसे देंगे ऑफिस बन जाएगा पूरा का पूरा, बट यहाँ पर ना हम अपने हिसाब से डिजाइन दे सकते हैं। वैसे अभी अगर दीवार देखेंगे ना तो एक एक दीवार 500 डॉलर की आ रही है भाई, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। पहले एक काम करते हैं, रुक जाओ, जो ऊपर का सेक्शन था ना, ये जो फ्लोर थे ये सारे के सारे ना लगाते हैं और थोड़ा सा ना इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। फ्रंट का थोड़ा सा ओपन रहने देंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसके आगे तो दीवार लगने वाली है नहीं। अब इधर साइड से भी 3 दीवार लगा देते हैं, पीछे तक ना थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, ताकि हम कार के अंदर ही मतलब शोरूम के अंदर ही सारी की सारी कार्स को ना पार्क करके, मतलब बाहर कार रखने की जरूरत नहीं, बाहर जो एकदम लग्जरी या फिर एकदम खतरनाक सी कार होगी ना वही हम कार रखेंगे। इधर से ज्यादा आगे आ रहा है ऑफिस, उधर से कम आ रहा है। चलो ठीक है,
जितने भी पैसे थे भाई, अगर मेरे पास में पैसे खत्म हो गए ना बीच ऑफिस में, अपने को काम रोकना पड़ेगा। बट चलो होप नहीं होंगे, क्योंकि अच्छे खासे पैसे अभी है हमारे पास में। ठीक है, यहाँ तक तो ये ऊपर का मैंने पूरा का पूरा सेक्शन बना दिया हूँ। क्या इधर साइड से भी, चलो ठीक है उधर साइड से नहीं लेता बट गलती से लग गया। चलो ठीक है, इधर से भी पैक कर देते हैं और इधर साइड से भी पैक कर देते हैं। ठीक है, चारों तरफ से अभी सीलिंग आ गई है और जो वॉल्स है मैं यहाँ पर ऊपर लगा सकता हूँ। ठीक है, इसको भी वॉल से घेर लेते हैं, बाद में सबको ना एक ही टेक्सचर दे देंगे। बट ये वाली वॉल्स तो यहाँ पर काम में आएगी नहीं ना, इधर तो कांच की दीवारें लगानी पड़ेगी। दीवारों के अंदर से कैसे शोरूम दिखेगा? जैसे यहाँ पर मैं कांच की दीवारें लगाता हूँ, ये भी कितने की है? ये भी $500 की है। कार दिखेगी तभी तो कस्टमर आएंगे, बंद शोरूम के अंदर कॉल आएगा भाई। वैसे हमारी डीलरशिप का बोर्ड ना यहाँ से निकलकर अभी गलती से यहाँ पर आ गया, पता नहीं कुछ तो ग्लिच हो गया। चलो भाई, ऑफिस बनाने तक ही अंधेरा हो गया, रुक जाओ सुबह आते हैं, सुबह आने के बाद में काम करेंगे। फिर अभी भी हमारे पास में $8.5 लाख बचे हुए हैं। टोटल आज हमने $1,45,000 खर्च कर दिए अपने ऑफिस को बनाने में। मतलब अभी तो बना भी नहीं, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है और $1.5 लाख ऐसे ही हमारे खर्च हो गए भाई अभी तक। पता नहीं ऑफिस फाइनल होने तक और कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी सबसे पहले अपने को नीचे से ऊपर के लिए ना सीढ़ियों का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। एक साइड तो कांच की वॉल आ गई, मेरे को यहाँ का भी सेक्शन देखना। नीचे का वैसे अच्छा लग रहा है ये, मतलब नीचे से ऐसे छोटा ऊपर से ऐसे ऑफिस बड़ा, ये काफ़ी ज़्यादा अलग टाइप का डिजाइन लग रहा है, देखते हैं हम। फिलहाल में ना यहाँ पर आकर मैं पहले सीढ़ी लगा देता हूँ इस साइड से। यहाँ से अगर सीढ़ी लगाऊंगा ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, यहाँ से ऊपर जाने के लिए। और ऊपर का बस ये छत हटा देता हूँ। ठीक है, हो गया क्लियर, सीढ़ी भी लग गई, ऊपर आने के लिए रास्ता भी हो गया। बट एक दिक्कत है कि ये थोड़ा सा मिड में हुआ है, बट सीन नहीं है, उसको मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, है ना। ये दीवारों को पूरी तरीके से डिलीट कैसे करूँगा? बोर्ड वहां से निकाल के ना यहाँ लगा दिया मैंने अभी। और मेरा जो टेबल है ये बाहर कैसे आ गया पता नहीं, इसको टेम्पररी ना अभी फिलहाल के लिए बस यहाँ एंट्रेंस पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला हो गया अपना काम, बस ये दीवारें हटाना है अपने को। चलो भाई, यहाँ से ना सारी की सारी वॉल मैं हटा देता हूँ अभी फटाफट से। अब यहाँ पर भी ना कांच की दीवारें आएगी, मन तो कर रहा है नीचे की भी जो कांच की दीवार है ना व्हाइट कलर की, उसे भी ब्लैक कलर की कर दूँ, बट वो एंड में देखेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ अपने को ना यहाँ बड़ी बड़ी विंडोज लगाना है बस। और मेरे को एक चीज़ तो पता ही नहीं है कि यहाँ हमने, चलो ऊपर बना तो दिया है, ये कस्टमर आने के लिए जगह भी हो गई है, बट ऊपर कार्स को लेकर कैसे जाएंगे हम, ये तो मेरे को पता ही नहीं है। एक सपोर्ट करके ना यहाँ पर कुछ तो शो हो रहा है, शायद से ये सपोर्ट के थ्रू हम कार्स को ऊपर ले जा सकेंगे। एक काम करता हूँ, इसको ना मैं इधर से लगा देता हूँ। ठीक है, लग तो यही रहा है मेरे को, क्या इसी के थ्रू हम कार्स को ऊपर लेकर जा सकेंगे। बट एक बार ना पहले एक काम करता हूँ, रुको मैं अपनी सुपरा को वहाँ पर लेकर चलता हूँ और फिर हम चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पार्क कर दिया। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर देखो एक बटन भी है जिसको अगर मैं यूज़ करूँगा ना तो कार हमारी ऊपर जाएगी नीचे आएगी, बट यहाँ पर की मेरे को ज़मीनें हटानी पड़ेंगी। और यहाँ पर कार खड़े रखते ही हमारा बंदा आ गया साफ़ सफाई के लिए। जहाँ पर हमारी सुपरा खड़ी है ना, बस हम वहाँ की ज़मीन को हटा देते। ठीक है, इतना सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, इतने में तो कार ऊपर आ ही जाएगी, बट मेरे को पता नहीं इधर कुछ सेफ्टी है भी या नहीं, नो आइडिया। रुक जाओ, अब चेक करता हूँ एक बार, अब तो जानी चाहिए ना। हाँ, अब जा रही है हमारी कार। अब यहाँ पर हम पूरी की पूरी ना कार्स खड़े रखकर यहाँ से आराम से, अब मैं एक काम करूँगा, अब जितनी भी कार्स है ना हमारे पास में वो सारी की सारी कार हम सेल कर देंगे। वाह, इधर तो मैंने फ्लोर ही नहीं लगाया भाई, ये लग जा भाई फ्लोर। और अभी जस्ट मेरे को एक और चीज़ पता चली है, ज़मीन बढ़ाने के लिए मेरे को ये फ्लोर का इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई। इतना बॉट इंसान हूँ मैं, तुम्हें क्या ही बताऊँ। आप भी टिक करके देता हूँ, रुको पूरी की पूरी फ्लोर्स रेडी कर लेता हूँ मैं और प्रॉपर तरीके से ना एक्सटेंड करेंगे। अब हम पहले कहीं पर भी एक्सटेंड करते जा रहे थे जैसे समझ में आ रहा था, बट अब ना प्रॉपर तरीके से एक्सटेंड करेंगे भाई। आसपास की सारी दीवारें मैंने हटा दिया भाई, सारी की सारी टोटल दीवारें हटा दिया हूँ। अभी सिर्फ यहाँ पर फ्लोर लगाना है अपने को, बाकी कुछ नहीं करना है। नीचे की स्पेस एक बार बड़ी हो जाए ना, उसके बाद में हम कहीं से भी फिर सीढ़ी वगैरह वो ले सकते हैं। अब ये जो फैंस बची है ना, सारी की सारी फैंस भी हटा दे, तो फैंस को हम बाद में लगा देंगे। क्या ये चीज़ें हटाने से मेरे अकाउंट में, हाँ $1-2 तो आ रहे हैं, उतने पैसे नहीं आ रहे जितने हमने पहले लगाए थे, बट हाँ चलो पैसे आ रहे हैं। फिर भी हमारे पास में अच्छे खासे पैसे हैं अभी, तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। हम ना बहुत सारी चीज़ें अभी इतने पैसे के अंदर तो आराम से कर सकते हैं इजीली। फिलहाल में तो मैंने यहाँ की सीढ़ी भी हटा दिया हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा ना लुक और बदलने वाला है। ऊपर का तो नहीं, बट नीचे का लुक पूरा का पूरा बदलने वाला है। नीचे का भी ना थोड़ा सा एकदम बड़ा एरिया कर देंगे। विंडो कौन सी बिठाए इधर? अगर ये बड़ी वाली विंडो बिठाऊंगा मैं तो कैसा रहेगा? हाँ, ये वाली विंडो भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है ना मेरी जान। चलो ठीक है, फ्रंट ऐसे रख देंगे इसका, ये वाली विंडोज़ का।
ये भी $500 की है ना, चलो ठीक है, सुबह आने के बाद में काम कंटिन्यू करेंगे अब। The next day. All right, तो हो चुकी है प्यारी सी सुबह, फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं। मैं तो दूसरी विंडो लगाते ना ये वाली विंडो लगाना स्टार्ट कर दिया भाई। इधर बैक साइड से ना थोड़ा सा फ्लोर्स कम पड़ रहा है, तो एक काम करता हूँ इधर के लिए ना ये सिंगल वाली विंडो लगा देते हैं इधर साइड में, जो बड़ी बड़ी ये सिंगल विंडोज है ना इधर लगा देंगे, क्योंकि उधर ना मैं असाइन कर रहा था, मतलब अलाइन कर रहा था एकदम प्रॉपर तरीके से, बट वो फ्लोर्स लग नहीं रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा जब हम और अपने ऑफिस को अपग्रेड करेंगे ना तभी प्रॉपर तरीके से हम नीचे के फ्लोर बिठाएंगे और ऑफिस को ना एक्सटेंड कर देंगे। अब बारी आ चुकी है क्या ढंग की कार परचेस करके ना बिजनेस को थोड़ा सा और बूस्ट देने की, फ्लोर को और यहाँ ऊपर साइड से ना एक्सटेंड करना पड़ेगा। चलो ये वाला भी काम हो गया अपना कंप्लीट। वो डायगेस ऐसे पीछे से ही रखूंगा ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, और ऊपर मैं डबल वाली विंडो नहीं लगा रहा, ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल वाली विंडो लगाएंगे, क्योंकि ऊपर का ना थोड़ा सा व्यू ब्लॉक हो जाएगा फिर। वेरी नाइस, अभी तक तो सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रही है। अब अपने को ना बड़ा सा डोर लगाना है, तो मैं सोच रहा हूँ ये $1000 का डोर लगाने के लिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है, वैसे अच्छा तो लग ही रहा है। और इसके बाजू में ना ये वाली सिंगल वाली विंडो लगाऊंगा, ठीक है, इसके बाजू ये सिंगल वाली विंडो आ गई। अब तो ऐसा फील आ रहा है कि मेरे को अपने बोर्ड को ना आगे लेने पड़ेगा इधर फ्लोर बिठाकर, बट फ्लोर्स क्या यहाँ पर बैठेंगे? हाँ बैठ तो रहे भाई, बैठ गए सारे के सारे फ्लोर्स बैठ गए। इसको भी मैं मूव कर लेता हूँ अब, और इसको एकदम फिक्सो फिक्स इधर लगा देते, ठीक है। पूरा का पूरा ऑफिस अगर देखेंगे ना तो भाई पूरा ऑफिस रेडी हो चुका है। अब बारी है अंदर के लुक को चेंज करने की। अंदर तो मेरे को पहले ना मैट डालना पड़ेगा भाई, बट मैट का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा इधर साइड में। ऊपर जाने के लिए अब अपने को सीढ़ी चाहिए, तो पहले मैं काम करता हूँ अपने ऑफिस को थोड़ा सा ना इस कॉर्नर में मूव करता हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ताकि इधर एक कॉर्नर में सारी चीजें हो जाए, कस्टमर भी आए ना तो आराम से बैठकर बातें करे। हर एक चीज को ना खुद अपने हिसाब से अरेंज करने में ना वो मजा अलग ही है, वरना हर एक चीज फिक्स होती है उसके अंदर ना इतना ज्यादा मजा नहीं आता। इधर जो भी कस्टमर आएंगे वो बैठ जाएंगे, और इधर साइड में कस्टमर्स को गाड़ी के बारे में बताने के लिए मैं बैठ जाऊंगा, ठीक है, सामने बॉस वाली चेयर, अकेली सामने फैमिली रहेगी, यहाँ हम बैठेंगे और फिर कार के बारे में बताएंगे। और जो हमारा टेबल है इसको ना मैं काम करता हूँ, यहाँ गलती से एक दीवार जब बन ही गई है वैसे थोड़ा सा ऑड हो जाएगा, तो एक काम करते हैं इसको ना इधर थोड़ा सा बैक साइड से इधर से रखते हैं, और ये जो गलती से दीवार बन गई है ना इसको मैं हटा देता हूँ। अब अगर देखेंगे ना तो ऑफिस का लुक पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अंदर अभी डेकोरेशन भी हम करने वाले हैं। यार ये जो कार वाली चीज़ है इसको मैं यहीं पर रहने दूँ या फिर इसे यहाँ कॉर्नर से ले लूँ, तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताना, मैं थोड़ा सा ना ऐसे कन्फ्यूज हो रहा हूँ। और सीढ़ी का ना मैं सोच रहा हूँ यहीं पर बाजू में लगाऊँ, क्योंकि यहाँ पर हम कस्टमर से बैठ के बात करेंगे, कस्टमर मान जाएगा तो हम ये इसी सीढ़ी से उसे ऊपर लेकर चले जाएंगे कार बताने के लिए, है कि नहीं? हाँ ये सही रहेगा, ये वाली पोजीशन सही रहेगी सीढ़ी के लिए। और थोड़ा सा इसे और खूबसूरत बनाने के लिए ना इधर एक और कांच की सिंगल विंडो का आ गई, ये जो सिंगल वाली विंडो इधर बैठेगी नहीं ना, वरना इधर ना सिंगल वाली विंडो लगा देता मैं, छोटा सा एकदम प्यारा सा ग्लास हो जाता। ऊपर जाएंगे तो यहाँ से जाएंगे, एक करके इधर की भी ना दीवारें मतलब जो फ्लोर है ये हटा देता हूँ। चलो बिल्कुल रेडी। अब अगर चेक करेंगे यहाँ से तो ऊपर सर पर तो सीलिंग लगेगी नहीं, है कि नहीं? और यहाँ से ऊपर जाएंगे, वेरी नाइस। इधर साइड में एक और ऐसी वॉल आ जाएगी ताकि लोग गिरे ना, पता चले कार देखने आए और नीचे ही गिर जाए, हो गया फिर अपना काम, ये सही रहेगा। अब इसे मेरे को पूरा ढक देना पड़ेगा या फिर ऐसे ही ओपन रहने दूँ? ओपन भी रहने देंगे तो कुछ होगा नहीं, बट ढक देंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। क्या मैं फ्लोर को चेंज नहीं कर सकता? मतलब ये इसी टाइप का आ रहा है, चलो ठीक है अभी लगाते देखते हैं, फिर बाद में चेंज करना होगा तो कर लेंगे। चलो भाई ऊपर का भी पूरा का पूरा कम्प्लीटली पैक, बस ये जो डीलरशिप के ऊपर की जगह है ना इसको ऐसे ही खुला रख रहा हूँ मैं, ताकि अगर हमें भी जाना आना रहे तो यहीं से जंप मार के नहीं जा सकते। चलो ठीक है, नहीं भी मार के गए तो यहाँ से खुली तो हवा आती रहेगी एकदम। बस जो अपनी सुपरा इसको यहाँ पर नहीं रख रहा मैं, सुपरा तू नीचे चली जा, ठीक है, क्योंकि अभी इसको अपने को गैराज में बनाना भी तो है, जब बना कर लेके आएंगे उसके बाद में हम अपनी पर्सनल सुपरा को ना सेल कर देंगे। अब बारी बारी करके सारी की सारी कार ना अंदर लोड करते हैं, पता नहीं कितनी ज़्यादा देर लग जाएगी। स्टिल हमारे पास में $7.5 लाख बचे, इसका मतलब ये है कि मैं अभी कोई एक लग्जरी कार परचेस कर सकता हूँ जिस पर अपने को ना $1-2 लाख तो इजीली बन जाएंगे। भाई देख रहे हो कार कितनी ज़्यादा डैमेज थी, ₹1400 लग गए मेरे को एक कार रिपेयर करने के लिए। तो रिपेयर कर, मैं बारी बारी ना पहले नीचे के फ्लोर पे ना बेसिक वाली कार्स लगा देंगे हम, उसके बाद में ना ऊपर के फ्लोर पर ना थोड़ी सी ऐसी लग्जरी कार्स रखेंगे। आण दे भाई, आण दे भाई, आण दे, वेरी नाइस, वाह भाई वाह।
अब ये काम करते हैं, कार को ना मैं पूरी तरीके से पहले लगाऊंगा, उसी के बाद में फिर हम सोने के लिए जाएंगे, अभी नहीं जा रहे। 2 hours later. All right, तो हो चुकी है प्यारी सी सुबह और हमारा शोरूम अब फाइनली रेडी हो चुका है। चलते हैं फटाफट से, सारी की सारी कार्स को मैंने शोरूम के अंदर पार्क कर दिया। ऊपर का फ्लोर अभी खाली है, नीचे के फ्लोर में सारी की सारी जो हमारी कार्स बाहर खड़ी हुई थी वो पूरी की पूरी मैंने लगा दी। एक चीज़ मेरे को ये देखना है कि फ्रंट डोर से मैं अपनी सुप्रा ला सकता हूँ क्या, या फिर अगर फ्रंट डोर से मैं सुप्रा नहीं ला सकता हूँ तो मैं ना एक काम करूँगा, फ्रंट डोर को ना हटाकर थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे ताकि फ्रंट डोर से भी हम कार ला सके। अभी फिलहाल में ये तो इधर साइड का ना एरिया थोड़ा सा ओपन है, क्या मैं इधर सीलिंग लगा दे तो कार का वो ऊपर जाएगा ही नहीं ना। चलो छोड़ो, इसको ना ऐसे ही ओपन रहने देते हैं, दिक्कत की बात नहीं है। बस आसपास ना कांच लगा दूंगा, बाकी जितनी भी कार थी ना वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर लाइन से लगा दिया हूँ। अपना बंदा कार साफ कर रहा है, अब सुपरा लेके आता हूँ और सुपरा को बीच में खड़े करता हूँ। अब ना भाई जितनी भी कार्स है हमारे पास में वो सारी की सारी कार्स को बेचने की बारी आ चुकी है भाई, क्योंकि हमारे शोरूम में अब सिर्फ और सिर्फ सुपर कार्स रहने वाली है। वेरी नाइस। बस हमारी सुपरा यहीं पर खड़ी हो जा, अब जो भी बंदा शोरूम में आएगा ना बाहर से पहले सुपरा देखेगा। भले से अभी फ़िलहाल में हमारे पास में सारी भंगार कार्स है, पीछे वो तो हमने सिर्फ एक्सपी बटरने के लिए, जो एक्सपीरियंस है वो बटरने के लिए हमने खड़ी की थी, वो सारी की सारी कार्स को बेच दूंगा। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आएगी सारी की सारी लग्जरी कार्स और कोशिश करूंगा पूरे शोरूम को ही ना सुपर कार से भर दूं, बट उसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। पैसे तो हम कमा लेंगे क्योंकि धीरे धीरे ना गेम के अंदर बहुत न्यू चीजें ऐड होते जा रही है, जिससे थोड़ा सा ना दिमाग खुल रहा है। मतलब अब देखो इतनी बड़ी जगह बना दिया यहाँ पर, नीचे के फ्लोर पे भी पूरी की पूरी कारें भर दो, ऊपर के फ्लोर पे भी पूरी की पूरी कारें भर दो, कस्टमर भर भर के आएंगे और सारी की सारी कार्स लेकर जाएंगे और पूरों को ना मैं ऐड लगाऊंगा, मतलब सारी कार्स का ना मैं ऐड लगा दूंगा। उसके बाद में भाई पता नहीं कितने सारे कस्टमर आएंगे और अपनी शोरूम का क्या हाल होने वाला है। ऊपर का फ्लोर तो पूरा का पूरा खाली है, बट यहाँ पर भी ना बहुत जल्द कार आने वाली है। तो हम आज के एपिसोड को बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। नए आए हो चैनल पे, एंजॉय किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल पर मैं ऐसे ही बढ़िया गेम प्ले लाता रहता हूँ। अभी और भी नए गेम प्ले चैनल पर आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अपडेट्स के लिए भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सारी चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चेक जरूर करना। मिलता हूँ आप सभी से अगले एपिसोड में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।